हम सभी ये बात जानते हैं कि आमिर खान ने लिया था 1 ईयर का एक्टिंग ब्रेक आफ्टर द रिलीज ऑफ कॉमेडी ड्रामा फिल्म लाल सिंह चड्ढा। ये मूवी अडाप्टेशन थी 1994 में रिलीज हुई अमेरिकन फिल्म फॉरेस्ट गंप की। मूवी का हाई बजट होने के बाद भी, आमिर के साथ करीना कपूर के होने के बाद भी, आमिर की अमेजिंग एक्टिंग होने के बाद भी लाल सिंह चड्ढा रही थी अनसक्सेसफुल ऑन द बॉक्स ऑफिस। तो अब लगता है ऐसा जैसे बहुत सोच विचार करने के बाद आमिर ने कर लिया हो डिसाइड कि वो करने वाले हैं नेक्स्ट किस मूवी में एक्ट। जी हाँ, रिपोर्ट्स तो बताती हैं कि आमिर लेकर आएंगे एक बायोपिक फिल्म और ये बेस्ड होगी इंडियन स्पेशल प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम पर, जिन्होंने किया प्रोमिनेंट मर्डर एंड टेररिज्म केसेस पर वर्क। अब इनमें इंक्लूड होते हैं गुलशन कुमार मर्डर केस से लेकर 2008 मुंबई अटैक्स। उज्जवल ने हासिल किया पद्मश्री एज वेल इन ईयर 2016 और अब इन्हीं पर बायोपिक लेकर हाजिर होंगे आमिर। वेल यस, एक क्लोज सोर्स ने रिवील किया कि आमिर ने इस बायोपिक पर प्री पेंडेमिक टाइम्स में ही की थी बात। बहुत सी स्क्रिप्ट्स लिखी गई और फिर बहुत सी डिस्कशंस के बाद डिसाइड हुआ ये कि आमिर करेंगे एसोसिएट विद प्रोड्यूसर दिनेश विजान। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आमिर अगर करेंगे इस मूवी में लीड रोल प्ले तो उसी के साथ करेंगे इसे प्रोड्यूस भी, बट फिर भी 2023 के एंड में की जाएगी कास्टिंग कॉल और उसी के साथ ऑन बोर्ड लेकर आया जाएगा डायरेक्टर को भी। दिनेश एंड आमिर का डिसीजन है मूवी का शूट स्टार्ट करना फ्रॉम ईयर 2024। वैसे आपको इन्फॉर्म कर दें कि आमिर है इन टॉक्स विद राजकुमार हिरानी एज वेल, और ये भी बताई जा रही है एक बायोपिक मूवी ही, और वो भी इंडियन क्रिकेटर लाला अमरनाथ पर, जिन्होंने 1933 में स्कोर की इंडिया की फर्स्ट एवर सेंचुरी। वहीं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो आमिर ने अपना टाइम किया है इन्वेस्ट इन रीडिंग स्क्रिप्ट्स और जीरो डाउन किया है 6 to 7 सब्जेक्ट्स को। अब देखना ये होगा कि पहले कौन सी मूवी किस प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के साथ करते हैं आमिर अनाउंस। एज लाल सिंह चड्ढा के बाद उनके फैंस लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं उनकी नेक्स्ट सिलेक्शन को। टिल देन, फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज एंड अपडेट्स, कीप वॉचिंग Google Bollywood।